दोस्तों, क्या आप एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जो हर वक्त लोगों के माइंड में रहे, हर कोई उसी के बारे में सोचता रहे, उसको भूल ना पाए, या फिर आप किसी को अपनी जात का आती बनाना चाहते हैं? तो इसके लिए आज हम 6 ऐसी साइकोलॉजी की ट्रिक्स पर बात करने वाले हैं, जिनसे आपकी शख्सियत ऐसी बन जाएगी कि हर कोई आपका आदी होने लगेगा, हर किसी का आपके साथ बात करने को दिल करेगा, हर कोई आपका दीवाना हो जाएगा, और अगर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है तो हर कोई आपको ज्यादा वैल्यू और रिस्पेक्ट भी देने लगेगा। बस इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लें, और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसे ही आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता रहूं। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, कॉम्प्लीमेंट। लोगों को जेन्युइन तरीके से कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करें, उनकी किसी भी चीज को लेकर उनको कॉम्प्लीमेंट दें, ताकि वो अच्छा फील कर सकें। और कॉम्प्लीमेंट देने का बेहतरीन तरीका रैंडम होता है, यानी जिस चीज पर सब बात करें उससे जरा हट कर आप कॉम्प्लीमेंट दें। यानी अगर कोई बहुत ज्यादा हैंडसम है तो उसको ये सब तो हर कोई बताएगा, लेकिन अगर आप उसकी नेचर की तारीफ करते हो, उसकी काबिलियत पर कॉम्प्लीमेंट देते हो, तो ये चीज उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि उस चीज पर सिर्फ आप तवज्जो देते हैं। इस तरह सामने वाला इंसान आपको ज्यादा पसंद करने लगेगा, क्योंकि जब कोई हमारी उस चीज की तारीफ करे जिस पर कोई भी दूसरा तवज्जो ना दे रहा हो, तो हमें ज्यादा अच्छा फील होता है। हम खुद को ज्यादा इम्प्रूव करके उसके सामने जाते हैं, ताकि हम उसको ज्यादा अट्रैक्ट कर सके, और ऐसा ही सामने वाले करने वाले हैं। बस रैंडम तरीके से उनको कॉम्प्लीमेंट देते रहें और उनको अपना आदी बना लें। नंबर 2, बी अ गुड लिसनर। इस हैबिट की वजह से हर कोई आपका दीवाना हो जाएगा, क्योंकि जब कोई हमारी बात को सिर्फ तवज्जो से सुन ले, तो हमारे बैक ऑफ माइंड में उस इंसान का इमेज एक बहुत ट्रस्टी इंसान का बनने लगता है। हम उसके साथ कंफर्टेबल होने लगते हैं, हर बात उसके साथ शेयर करने लगते हैं, हर दिल की बात कह देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये हमारी बात को जरूर सुनने वाला है और तवज्जो देने वाला है। इसलिए लोग जो भी बात करें, उनकी बात को तवज्जो से सुनना शुरू कर दो, एक्टिव होकर उन पर तवज्जो दो, ना कि उनको सुने बगैर ही अपनी बात करने लगो। ये चीज किसी को भी पसंद नहीं आती, जब आप किसी की बात को काट कर अपनी बात शुरू कर देते हैं, या फिर किसी की बात सुनते नहीं है, तो सामने वाले ये समझते हैं कि आप उनकी बात की वैल्यू नहीं करते। इस तरह वो कभी भी दोबारा आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन उनको तवज्जो से सुनकर आप उसी वक्त उनके दिल में जगह बना लोगे। वो हर टाइम आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि सिर्फ आप ही उन पर तवज्जो देते हो और उनकी बात को गौर से सुन लेते हो। इसलिए जब भी कोई बात करे तो गौर से सुने, पहले दूसरे की बात को सुनकर फिर अपनी बात करें। इस छोटी सी आदत से सामने वाले आपको पसंद करने लगेंगे, और आप उनकी नजरों में एक वैल्यूएबल इंसान बनने लगोगे। नंबर 3, क्रिएट मिस्ट्री। लोगों को अपने बारे में सब कुछ ना बताएं, बल्कि एक सीक्रेट की तरह रहें, जिससे आपके बारे में लोग जानने के लिए क्यूरियस होने लगेंगे, आपके बारे में सोचने लगेंगे कि एक्चुअली आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। आप अगर पहले से ही दूसरों को सब कुछ बता देते हो, तो फिर आप जो भी कर लो वो कभी आपसे अट्रैक्ट नहीं होने वाले, क्योंकि वो आपके बारे में सब कुछ जान चुके हैं। उनके दिल में कोई भी क्यूरियोसिटी नहीं रही, उनके दिल में आपको लेकर कोई भी सस्पेंस नहीं रहा। इस तरह वो ना तो आपकी वैल्यू करेंगे और ना ही आपसे अट्रैक्ट होंगे। इसलिए ऐसे बनकर रहें जिसके बारे में किसी को नहीं पता, और अपने बारे में हमेशा कम बोलें। लोगों के दिलों में क्यूरियोसिटी रहने दें और सस्पेंस डालें, जिससे वो हमेशा आपके बारे में ही सोचते रहें, न कि आप उनके सामने अपनी पूरी जिंदगी किताब की तरह खोल कर रख दें। इस तरह सामने वाले आपकी असलियत को पहचान कर आपको उतनी ही वैल्यू देंगे, और जब वो आपके बारे में सब कुछ जान लेंगे, फिर वो आपको इग्नोर करने लगेंगे। इसलिए जितना हो सके खामोश रहें।
अपने बारे में बहुत कम बोलें, जितना लोग सुनना चाहें उससे भी थोड़ा कम बोलें। इससे लोगों के दिलों में क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी और वो आपके बारे में मजीद जानने की कोशिश में रहेंगे। नंबर 4, आई कॉन्टेक्ट। जब भी आप किसी से बात करें तो उसकी आंखों को देखें। आंखों को कभी भी इग्नोर ना करें, क्योंकि आपकी आंखें ही आपका इमेज बनाती हैं। अगर आप बात करते हुए इधर उधर देखते रहते हो, सामने वालों से नजरें नहीं मिला पाते, तो आप ज्यादा नर्वस लगते हो, आप इनसिक्योर लगते हो। आप जैसी भी बात कर रहे हो, आपकी बात पर ट्रस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि आपकी आंखें तो कुछ और ही दिखा रही होती हैं। इसलिए जो इंसान बात करते हुए सामने वाले की आंखों में देखता है, फिर वो जो भी बात करे, हमारे माइंड में ये इमेज बनने लगता है कि ये जो भी कह रहा है सच कह रहा है, क्योंकि इसकी बॉडी लैंग्वेज इसको कॉन्फिडेंट दिखा रही है और इसके बात करने के अंदाज से ही लग रहा है कि ये सच बोल रहा है। इस तरह हम उस पर यकीन भी करते हैं और उस पर ट्रस्ट करके उसकी बात को मान भी लेते हैं। इसलिए जब भी बात करें तो सामने वाले की आंखों में देखें। और एक अच्छा आई कॉन्टैक्ट कैसे बनाया जाए, अगर आप ये वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में आई कॉन्टैक्ट लिख दें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर बन जाए। नंबर 5, अनरीचेबल। कभी भी ज्यादा लोगों के कंट्रोल में ना आए, ना ही लोगों को प्रेडिक्ट करने दें कि आप क्या करने वाले हैं। हमेशा थोड़ी सी डबल गेम खेलें, लोगों के साथ बहुत इंटरेस्ट शो करवाएं, उनको बहुत ज्यादा अटेंशन दें, उनको कॉम्प्लीमेंट दें, मगर किसी ना किसी वक्त उनको इग्नोर करके दिखाएं, उनसे थोड़ा सा पीछे हट जाएं। यानी अगर आप बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहे हो तो कभी कभी अपनी अटेंशन कम कर दो, लोगों को इग्नोर करने लगो। क्योंकि जब हम मुसलसल लोगों को अटेंशन देते रहते हैं तो फिर आप बहुत सस्ते होने लगते हैं। लोग समझते हैं कि आप उनके कंट्रोल में आ चुके हो, वो जैसा चाहें आपके साथ कर सकते हैं। लेकिन जब आप उनको कंफ्यूज रखते हो, कभी बहुत ज्यादा प्यार दिखाते हो और कभी अवेलेबल नहीं होते, उनको इग्नोर कर देते हो, तो फिर सामने वाले हर टाइम आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। हर टाइम यही चाहते हैं कि आप पहले जैसे बन जाओ। इस तरह वो कभी भी आपको भूल नहीं पाते और ना ही आपको अपने माइंड से निकाल पाते हैं। नंबर 6, मेक देम जेलस। हेल्दी तरीके से लोगों को थोड़ा जेलस फील करवाएं, नए लोगों से ताल्लुक बनाकर उनको दिखाएं कि वो आपके लिए सिंगल चॉइस नहीं है, बल्कि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। इस तरह लोग जेलस होंगे और आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगेंगे, ताकि आप उनको छोड़कर उनकी अटेंशन किसी और को ना दे दो। इस तरह वो हमेशा आपके पीछे ही भागते रहेंगे। लेकिन अगर आप मुकम्मल उनके हाथ में आ गए, फिर आपकी नकदरी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इंसान को वही चीज चाहिए होती है जो उसके पास नहीं होती। इंसान के पास जो भी होता है वो उसके लिए बेकार हो जाता है। इसलिए किसी भी इंसान को मुकम्मल अपना आप ना दें, बल्कि थोड़ा सा पीछे रहें, उनको जेलस फील करवाते रहें। इससे सामने वाले आपके आदी बनने लगेंगे और आपकी अटेंशन पाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने लगेंगे। और आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने में मदद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।